वीर शहीद चुन्नीलाल पुनिया स्मारक स्थल गांव भैसली चूरू। दोस्तों ये है भैसली गांव, और जो घर था तो बाहर खेतों में था जिसमें आग लगती। ये गांव का बीच का है छोटा मंदिर बाबा हनुमान। दोस्तों ये है भैसली गांव का जंगल का रास्ता जिस घर में आग लगती है, और इस जंगल से होके गुजरते हैं सभी जिसने उस घर पे जाना होता है। और अभी भी देखिए गाड़ियाँ वहीं जा रही हैं, और काफी सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों आपने हमारी पहली वीडियो भी देखी होंगी, काफ़ी वायरल हुई है, और आज हमारे साथ गांव के काफ़ी पंच सरपंच जिम्मेवार आदमी बैठे हैं। ये भैसली में क्यों आग लगती है, कभी घर में लगती है, कभी संदूक में लगती है, कभी बिस्तरों में लगती है, और परिवार का तो ये भी कहना है कि जो आटा होता है रोटी पकाने का उसमें भी लगी है। कैसे लगती है, क्यों लगती है, थोड़ा बुजुर्गों की सलाह ले लिया। थोड़ा दून पाप का स्वागत अंकल जी। स्वागत भाई। अंकल जी आपकी तो काफ़ी उम्र होगी, काफ़ा तजर्बा हो गया जिंदगी का, ये घर में आग क्यों लगती है या पोप लीला है? देखो जी पोप लीला लगा हमने जो खास कर, देखो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने बिस्तर को फूंक देगा, अपने लोटों को फूंक देगा, अपनी टूमों को फूंक देगा, कपास पड़ी उसको फूंक देगा। ये कोई तांत्रिक विद्या है जी, ऐसी समझ लो मेरे ख्याल में कोई तांत्रिक विद्या थोड़ी मोटी सुनी है। तांत्रिक विद्या या घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, बाहर वाले या उनका कोई दुश्मन करता है काम? कोई दुश्मन करेगा, घर वाले अपने नुकसान है। भैसली में हरी सिंह का पूरा नुकसान हो गया, पूरा घर बर्बाद हो गया, केवल उनके पास बचा है कि कपड़ा पहनने के लिए। तो मेरी समझ में घर वाले तो इतना नुकसान घर वाले नहीं करेंगे, बाहर वाले करेंगे। तो बात ये सत्य हो सकता है ऐसा? सत्य हो सकता है। हमारे साथ एक पंच भी जुड़े हैं, नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम बल्ला। आपका शुभ नाम? सुरेश। सुरेश जी थोड़े आगे आ जाओ। सुरेश जी आप तो गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, हमारी गीता रामायण में ये बातें नहीं पाखंड की, वहाँ तो केवल वेदों की बात है, तो वेद शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा है? वेद शास्त्रों में नहीं ऐसा भाई साहब, ये कोई तंत्री कर्ष क्रिया है। अच्छा। कई बार तंत्री क्रिया तंत्री कोई बैठा हो कहीं दूर वो कर दे उसमें तंत्रिक में, और तंत्रिक में कुछ भी हो सके। क्या तांत्रिक विद्या इन वेद शास्त्रों से ऊपर है? वेद शास्त्र ऊपर तो किमें भी नहीं हुआ, इन तो नीचे हो तो एक विरोधी। वेद शास्त्र तो नहीं मानते, विरोध हमारे ऋषि मुनि वो भी नहीं मानते, वो तो कहे पाखंड अंधविश्वास है। अंधविश्वास है, वैसे तो अंधविश्वास है, लेकिन तांत्रिक क्रिया कुछ भी कर सके। अच्छा आपने देखा कभी ऐसा कुछ जड़ता हुआ? ना। सुना तो काफी होगा। हाँ सुना है। कहीं नहीं देखा? देखा नहीं। आपका तजुर्बा भी ज्यादा है? देखा नहीं, लेकिन तांत्रिक प्रक्रिया कर सके है। ठीक है, एक और भी अंकल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकल जी आपकी क्या राय है? हो सकता है सच्चे है। सच्ची है? एक बात बताओ, अगर इस तरह जड़ता हो पाकिस्तान जितने तांत्रिक कहीं नहीं दुनिया में, ठीक है, वो तो हिंदुस्तान वही बैठे बैठे फूंक देंगे। ऐसे नहीं जड़ता। और कैसे जड़ता? नहीं। और कैसे जड़ता? जिस घर का नंबर उसी में होता है, सब में नहीं होता नंबर, उन्होंने तो पाकिस्तान में पूरे देश का। ना ना ना, घर की ऐसी क्या विशेषता है? घर की होती है। अच्छा जिस घर का बेरा तांत्रिक उसी को फूंक सकता है? उसी को क्यों फूंकेगा? कभी देखा आपने? इसमें तांत्रिक का कोई रोल नहीं है। और ना, और किसका रोल है? इसका कर्म फल है जिसका वो लगती है। तो ये कर्मों का तांत्रिक का नहीं है? ना तांत्रिक का नहीं। अच्छा, है जो कर्म करता हुआ अपना आप ऑटोमेटिक आग लगती है? अपना ऑटोमेटिक। ये एमएलए मंत्री रोजाना देश को लूटते हैं करोड़ों रुपया, उनका क्यों नहीं लगती? वो करोड़ों खर्च भी करते हैं। खर्च भी करते हैं, साथ के साथ पुण्य भी करते करते हैं। एक बात बताओ, जो आदमी 1,000 रुपये लूट लेगा और 100 रुपये दान कर देगा, वो 100 रुपये करते हैं? 1,000 से ज्यादा करते हैं। 1,000 से ज्यादा कर दिया तो उसके पास बचा कुछ नहीं, कहो तो कंगाल। और कमाने के लिए तैयार उसको क्या हो जाएगा जी? और कमा लेता है। और कमा लेता है और क्या, पर खर्च ज्यादा करेगा तो कमाई करता देगा नहीं किसी के देंगे। ठीक है, यहाँ काफी बैठे हैं, मैं एक के पास और भी जाता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहियो। देगा उल्टे किसी के, हमारे साथ जुड़े रहियो। बुजुर्ग कोई बात नहीं। हाँ जी क्या राय है जी आपकी, क्या बात सत्य हो सकती है? असली बात है। आपने कभी देखा है ऐसा? अरे गूगल ने देखा था जुलाई। अच्छा जी, अभी अभी मैं बताऊंगा पूरा प्रमाण है। हाँ जी हाँ जी, जुलाई मतलब एक हथी के गए, कपड़ा दर्जा संदूक में एक रह जाए, थाली में बैठा हो जाए रोटी तरह। अच्छा जी, पार्वत पंडित ले आए थे वो,
अच्छा जी। और कसों का चूड़ा कर रहा था। अच्छा जी। वो पिंड छोटी गुड़िया। अच्छा। उठा दी उसी बकरी का बच्चा उतार दी। हाँ। फिर चूड़न छोटी। हाँ जी। उसी काट दी वो मांस उतार दी। हाँ जी हाँ जी। फिर चूड़न सोम आगे छोड़ दी वो ब्राह्मण उथल पुथल। अच्छा जी। बस जो बोला बोया पानी की हांडी बगा दी उपरा उपर। हाँ जी। वो बगा दी। हाँ जी। बैठा हो गया उसी सोम आगे फिर पूरा गुड्डा छोड़ा। हाँ जी। सोन का बना के अपना सोर उतार दिया। हाँ जी। और फिर जोड़ गया हाथ है। हाँ जी। जो बोला पकस दिया आगे किसी का ऐसा काम नहीं करूँगा। वो तो उगल तो बता रहा था नहीं वहाँ समझ तो लानी था घोड़े पर चढ़ के गए और सोपा दब दब आया तीन मन। अच्छा जी। चूड़ा तो आपका कहने का तात्पर्य ये बात सत्य है। हाँ तांत्रिक विद्या है। देखियो इन्होंने कहा भाई ये बात सत्य हो सकती है। हम दोबारा सरपंच साहब से फिर जुड़ते हैं। सरपंच साहब अगर इस तरह जड़ते हैं फिर ये टैंक बंदूक ये क्या काम करेंगी? ऐसी जड़ा दो दुश्मन को। नहीं जी तो बात ये है देखो इनमें सिंचा तो है ही। हाँ जी हाँ जी। उड़ी मतलब इसमें पूरा वो नहीं मैंने हमारे को पता इसके बारे में। इसके बारे में पूरा पता नहीं है ये तो हम सुनते हैं मतलब। अच्छा। देखा नहीं हमने। देखा नहीं है ना। तो सुनियो तो बात तो झूठी भी हो सका है। झूठी भी हो सके। हमारे साथ एक और भी जुड़े हैं जिनका जिंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा है मुलाजिम रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ तक सत्य हो सकती है जी बात? देखो ये आपस का बैर विरोध का किसी तांत्रिक का कराया ये हो सकता है। जैसे साइंसदान भी मानते हैं भाई सम्मोहन विद्या है वो सम्मोहन साइंसदान भी मानते हैं इस बात को। तो वह किसी आदमी को सम्मोहन कर लेते हैं वो जैसे वो कब होगा ऐसे ही करेगा है। अच्छा ये घर में आग लगना ये भी आपसी बैर विरोध या किसी तांत्रिक का ही काम हो सकता है, है? लेकिन हमने अपनी आँखों से नहीं देखा है। अभी भादरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान की मौत हुई है और वो करोड़ों रुपए की सुपारी बता रही है पुलिस। तो सभी इस तरह मरवा देंगे वो सुपारी देने की क्या जरूरत है? पैसे देने की क्या जरूरत है? और ये पिस्टल बंदूक इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? फिर सभी इसी तरह मरवा देंगे तांत्रिक से। देखो तांत्रिक के भी कुछ रूल बताए वैसे सुने हैं हमने खुद। वह तांत्रिक के कुछ रूल होते हैं किसी का जो करेगा आदमी उस पर भी अटैक हो सकता है फिर। अच्छा। हाँ खुद भी अटैक हो सकता है अगर होगा उस पर भी हो सकता है। हाँ हाँ जो कर नहीं तो दूसरे पर तो होना है। हाँ हाँ। एक और भी बुजुर्ग जुड़े हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? नाम सोमदत्त। सोमदत्त ठीक जी। क्या बात सत्य होती है जी? नहीं ये झूठे पोपलीला पाखंड है। पोपलीला ठीक। ये तो एक परमात्मा का विधि विधान है लेख है। हाँ जी। एक माँ के पेट से दो बच्चे होते हैं उसका कर्म वो एक तो राजा बन जावे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक जूती कट्टी जावे। हाँ जी, हाँ जी। जो कर्म जो भी दाता ने जो लेख लिख दिया ना। हाँ जी। वो ये रहोगा। यानी आपका कहने का तात्पर्य एक कर्म प्रधान है। हाँ। कर्म करो। हाँ। कर्म के अनुसार सजा मिलेगी। हाँ मिलेगी। जो जिसी करेगा उसी बढ़ेगा। फिर ये आपका जो ये भाई बैठे हैं। हाँ। परिवार बैठे हैं ये क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? ये भी ये बात कर रहे हैं। ये भी ये बात कर रहे हैं बस किसी ने देखा नहीं सुनिया सुनिया है। सुनी बात तो बहुत झूठी भी हो जाए। ठीक। वो बीरबल ने कहा अगर तांगम तेल चढ़ा तांगम तेल गलता ही नहीं तो ये उस तांगड़ा तेल बना रहे फिर। तांगड़ा तेल नहीं ये तो एक विधाता का लेख है। हाँ जी। तेरा कर्म में तो यू काम है मेरा कर्म माल जोड़ना है। नहीं देखो जी वो कर्म की अलग बात है। बात करी हमने जैसे संदूक में आग लग जानी और आटा गूंदा और रोटी के लिए वो गीला होता है। देखो चूल्हे में हमारी माता बहने आग जलाती देर से जलती है आटे में कैसे आग लग जाएगी? ये कहना है जी हमारा। आटे में तन देखा है? नहीं जो बैसले गांव में अभी चूरू का है सुनो सुनो हमने नहीं देखा। हम तो आपकी राय ले रहे हैं। हम तुम्हारी राय लेना तू बता देना मैंने देखे आगे। नहीं हमने देखा जी। बस तो फिर कदा तू नहीं बता मैंने देखा ये होया है। मैं बताऊं जिस तरह ये शराब नहीं छटुआ होता एक आदमी शराब छटुआ होता अगर वहां से घर आके शराब पी लेता उसके कपड़े चल जाते बेरा नहीं पखंड थोड़े देर वो तो एक दवाई सी होती है उसका भीतर में आग लग जाए ऐसा। हाँ बिल्कुल गर्मी हो जाए कपड़े जल जाते गर्मी हो जाए कपड़े जल जाते वो कुछ उसमें केमिकल होगा या और होगा कुछ तो पानी
हो सका नहीं, हमने देखा नहीं है इस बात को, फोन पर फायदा नहीं, वो पकड़ नहीं है कल या मैं कोला पत्रकार रह रहा हूं एक रुक। हां जी हां जी, देखो जी बैसली में एक बूढ़ी गुजर गई और दो उसके पोते गुजर गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहते तो मैं बोर्ड के वापस आ जाऊँ आपके, रुक जतरा। बुजुर्ग औरत गुजर गई 83 साल की और दो उसके पोते भी गुजर गए। उनका कहना कि ये हमारे घर में जो करख्या तांत्रिक ने करख्या है, क्या तांत्रिक किसी की हत्या भी कर सकता है दूर से बैठा? भाई भगवान की माया करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन के पता लग है कोई तांत्रिक मन करे से कोई कर भी दे हो सका है। अगर ये पावर तांत्रिक के पास है तो फिर भगवान में जो बीच में हो तो कटेगा भगवान, तो उसका हाथ में कुछ रहा है नहीं। भगवान आजकल कोई मन नहीं, के हाथ में आ गया भगवान आजकल कोई पूछता नहीं अपनी पावर बना रहे सब। नहीं जी, मालिक तो मालिक होता है, मालिक तो है हाँ। लेकिन फिर भी तांत्रिक विद्या तो कदे तो सुनते हैं हमने, देख देखा नहीं किसी पर कोई करता। देखो हम पहले सुना करते बंगाल का जादू भी हुआ करता। अब बंगाल का जादू बुजुर्गो से सुना करते कि राजा भोज को जादू आ करती हाँ। और उसने किसी को बताया नहीं। बाकी अभी जादूगर काफी है, उनका कहना ये कोई जादू नहीं है, ये हाथ की सिपाही है। फिर जादू में किसी का नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना, नुकसान तो नहीं होना चाहिए इसका। हरि सिंह का तो नुकसान हो रहा है काफी, जो उसके ऊपर क्रिया कर रहा है कर्म कर रहा है उसकी सोच है, तो नुकसान नहीं होना चाहिए। वह जो जो कर रहा है उन्हें नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। फिर भी कर उसने भगवान फल देगा भोगेगा अपने। और बहुत हैरानगी की बात है, संदूक में आग लगना, तजूरी में आग लगना, तजूरी के पैसों में आग लगना। वह कई बार सुने हैं, देखो सच्चाई तो हम कह काम सच्चाई नहीं कह सकते, लेकिन सुने हैं देखा नहीं, नहीं आप याद को या तो सच्चाई हो सकती है या झूठ हो सकती है, एक फाइनल उत्तर दो। ऐसे नहीं, इस तरह तो हमारे जो दर्शक है गुमराह। तांत्रिक क्रिया तो सुनी है, इब तांत्रिक क्रिया है तो सच्चाई भी उसका है। अच्छा हाँ, वो तो कोई आम तो कोई है नहीं। आखिरी प्रश्न जी आपसे, क्या बात सत्य है? मुझे मारे को तो ये बात सुनी है नहीं, इनको पूरी बात जची नहीं मारे यार। इसका घर में तुजूरी में ब्याह लगी, बाकी उसका फिर सब कैम लगी। अभी साइंस का जमाना है हाँ। आने वाली पीढ़ी बहुत होशियार है, उन पर इन बातों का क्या असर पड़ेगा आपकी? नहीं जो हम बता रहे हैं ना, हमारा को उसकी सबके में जड़ाया है हाँ जी हाँ। इसका हमने नु ज्ञान नहीं है भाई, ये क्यों जड़ गया है हमारा, तो को नहीं बात भाई क्यों जड़ा है। अभी हमारे पास एक वीडियो है, एक आप जैसे व्यक्ति ने बताया कि घर में ऐसी जलाया करता और पूरी छानबीन करी, जब उस घर की एक जनानी पाई ये हरकत करती। हम जनानी हो या बाहर का हो हाँ उसका है, यह बात हो सकती है बाहर का भी उसका घर की भी उसके है, लेकिन घर का आदमी सारी चीजें क्यों भूखेगा? यह भी दुख है ना, रोटी का खाएगा वो क्यों मारेगा? वो दादी है माँ तांत्रिक ने बनाएंगे, उसका बेचारे का नुकसान हुआ है। तांत्रिक का काम है उल्टे सीधे काम करवाना, देश हाँ, का बेड़ा गर्क करना हाँ, और देश को गलत रास्ते पे ले जाना हाँ, तांत्रिक कभी अच्छी बात नहीं बताएगा। तांत्रिक वो है कि मतलब इस आदमी वो है जो कि किसी की तरफ नहीं देखता हो, वो हम तो उससे सब गंदा ला उसने, क्यों कभी भी कहीं भी उल्टे छोटे काम कर दिए, अच्छी बात नहीं है। इसको गवर्नमेंट ने इस बात को पूरी तरह सोचना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सच्चाई है बात, क्या माग ला लिया लुआ है क्या माग ले हाँ। फिर माचिस की क्या जरूरत है, माचिस की क्या जरूरत रहेगी, शक्ति क्या जरूरत रहेगी, तेरा मर्द मरे तो चने पोते हैं छोड़ा उनसे गिर आओगा आखिर सटवा दे। देखो 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 मुर्दे का अंतिम संस्कार करते हैं, जो भी घर में गुजर गया तो लकड़ी ले जाने की जरूरत नहीं, तांत्रिक ही फूंक देगा उसको वहां पर। तू दाग दे क्या आता है, मैं छोटा पड़ेंगे मैं श्याम करूँ मैं सेक जाऊंगा मैं आज दो बहुत साल में तो छोटा हूँ खूब उठ गई तू तीचड़ देख रहे जाएंगे तू टेढ़े बैठी देख रहे ऐसे दोनों बसोगे तू दोनों बैठे रहते दोनों पर तंत्री भी तो है लेकिन वो तंत्री खुद ना करवाएगी ज्ञान नहीं ले सकता। तांत्रिक विद्या तो है हाँ जी हाँ जी, तांत्रिक विद्या तो है वो तांत्रिक भाई मेरे को बोल दे भाई मैंने अपना को काम सिद्ध करवाना है पर मेरी आपकी खून साफ सी है जी। मैं उसके पास जाऊँ तंत्री को, उसको मैंने मोटी रकम दे दी भाई मेरा काम करवा भाई मेरा काम कितना होगा भाई, तू उसके कुछ बच्चे जलवा दे मरवा दे तो तेरे काम हाल हो जाए, तो वो बता दे है मैं उसका काम कर दूँ। ये भी एक इसका हो उसका है, आमने सामने की दुश्मनाई होते जब एक दूसरे को मारता व्यक्ति काफ़ी पैसे लगते हैं जेल होती है तो इस तरह क्यों नहीं करवा देगा वो अगर किसी से बदला लेना। तो देखो जी इस बात के बारे में मतलब हमने ये एक पाखंड वाली बात भी लग गए है, लेकिन पाखंड न्यू नहीं लगता हमने उसका सीधा नुकसान हो रहा है। 80% मामले ये हैं वो है? ये जो सिद्ध तो इसके बारे में क्या कैसे कहा जी पूरी मतलब मालिक की माया सारी कौन को गंदा आदमी काम हुई सारी। देखो
आप हमारे से बड़े हो, आपने रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी है, वहाँ अस्त्र शस्त्र चलते हैं, ऐसा अंधविश्वास पाखंड की कुछ नहीं दिखाते वो, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति से बदला लेना, हथियार चलाना पड़ेगा आपने, वो हथियार क्यों चला, हथियार चला उसका सीधा नाम होगा, इसमें उसका नाम इसमें जी। देखो बात यह है, गवर्नमेंट ने इसका बारे में पूरी सोच विचार करनी चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ने कह दिया, हम तो साइंस की बात मानेंगे। ये तांत्रिक आजकल क्या है, स्याणा उसको कहते जो अनपढ़ गवार चार दिन तो नहाए हो लियो, उसको स्याणा बोला है। डॉक्टर मास्टर को कोई स्याणा नहीं कहता। ये तो बात है, कौन कंधा उसको, तो इसे से भी है जो नुकसान पूछा, ये पूछा रखे नुकसान की, पूछा दिया ये साइंसदान पकड़ो, नहीं साइंसदान पकड़ो इसको। इसमें किसी की चालबाजी भी हो सकती है, चालबाजी है, परिवार की, पड़ोसी की है, किसी दुश्मन की चालबाजी है इसमें। सुनो मेरी बात सुनो, इसमें चालबाजी है दिखाई दे रही पूरी, लेकिन इसका बारे में हमने कहा भाई गवर्नमेंट ने ये बात देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, यानी जीरो ग्राउंड से पूरी छानबीन, हाँ पूरी छानबीन करनी चाहिए। ये जेल में कौन करता कि मैं जेल तोड़ के आ जाया भाई रामपाल। चलो दोस्तों, ये आपने सुनी राय बुजुर्गों की, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।